बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो नंबर में ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। संख्याएं 867 और 255 का मौसव ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये क्वेश्चन दिया गया है और इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं हो। दो नंबर का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके क्या स्टेप्स होंगे, क्या प्रोसेस होगी उसकी, तो देखिए हम लोग क्या क्या लिखना पड़ेगा। देखिए पहले तो आप क्या कीजिएगा, हल में यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर इसका हल कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखिएगा कि चूँकि जो हमारा नंबर है 867 है ना, वो क्या है, बड़ा है 255 से। ठीक है, चूँकि ये दोनों बड़ा है इसलिए 867 और 255 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं प्राप्त, देखिए यहाँ पर जो हमारा है 867 और 255, तो 255 में क्या करेंगे, 255 से हम लोग 867 में भाग लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 867 बराबर होगा 255 गुने 3 प्लस 102। ये कैसे आएगा, 867 में 255 से भाग लगा दीजिएगा। ठीक है, तो जब भाग लगाएगा तो 3 आ जाएगा आपका क्वोशेंट में और जो रिमाइंडर बचेगा यानी कि शेषफल होगा वो 102 आ जाएगा, तो उसको लिख देना यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखना है, क्योंकि अगेन फिर से ये चीज़ लिखनी है आपको, जो जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। यहाँ पर हमने लिख दिया कि चूँकि ये इससे बड़ा है इसलिए हम लोग यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हम लोग को ये चीज़ प्राप्त होता है। ठीक है, अब फिर से लिखना है, चूँकि शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है हम लोगों को 102, चूँकि ये जो है बराबर ज़ीरो के नहीं है, ज़ीरो के बराबर नहीं है, है ना। हम अब चूँकि हम लोगों को क्या आ गया, ये वाला नंबर आ गया है और ये वाला नंबर नया नंबर आया है। ठीक है, तो इस दो नंबर को लेंगे, यानी कि हम 255 और 255 और 102 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करेंगे हम लोग, अब हम लोग इस नंबर में इससे भाग लगाएंगे, चूंकि ये बड़ा है तो इससे भाग लगाएंगे। क्या प्राप्त करते हैं हम लोग, 255 बराबर हो जाएगा 102 गुने 2 प्लस 51, ये हमें मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हमें ये दोनों प्राप्त हो गया, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि अभी हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, चूंकि शेषफल कितना आया इसमें, शेषफल आया आपका 51, ये बराबर नहीं है ज़ीरो के, है ना। हम क्या करेंगे, ये नंबर और ये नंबर जो नया आया है 102 और 51 पर यूक्लिड, वही लाइन फिर से लिख देंगे, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, देखिए 102 बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको भाग लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 51 गुने 2 प्लस 0। अब यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है, 0। अब यहाँ पर लिखिएगा, क्योंकि हम लोग शेषफल कितना प्राप्त कर रहे हैं, शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए अब यहाँ पर हम लोग, हमारी जो प्रक्रिया वो ख़त्म हो जाएगी, तो चरण का जो भाजक होगा, इस चरण में जो भाजक होगा, भाजक ये होगा भागफल और शेषफल, तो जो भाजक होगा इसलिए भाजक यहाँ पर लिखेंगे, चरण का
भाजक, भाजक क्या है 51 है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, 100 जो हमारा नंबर आया था, क्या आया था, इसका मौसम क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। इसलिए जो हमारा नंबर दिया गया था, इसलिए 867 और 51 255 का मौसम कितना हो जाएगा, मौसम बराबर 51 है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा प्रश्न था ये वाला हल हो चुका है। आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तब। अगर नहीं आता है तो सिंपली आप ये स्टेप, ये स्टेप और ये स्टेप करके जो आंसर होगा वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, और बहुत सारी वीडियोस अभी भी हैं अपलोडेड है, आप उनको भी देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत सारी मदद हो सके। और अपने दोस्तों के साथ जो वीक स्टूडेंट हैं उनको भी इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। और बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही कुछ वीडियोज़ के साथ मैं आपके साथ फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।